तो हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो और गाइस, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, रियलमी का एक C20 मॉडल है हमारे पास। जैसे कि मैं इसका RMX अगर आपको दिखा पाऊँ तो मैं दिखा दूँगा, रियलमी का C20 मॉडल है। तो गाइस, इसमें जो प्रॉब्लम है, चलिए मैं सबसे पहले इसके प्रॉब्लम को बता देता हूँ आपको। तो इसमें जो प्रॉब्लम है गाइस, ये देखिए, ऑन हुआ, ऑन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे DM वेरीफाई फैल करके मैसेज आ रहा है, DM वेरीफाई कम्प्लीटेड करके यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, एरर आ रहा है, और फ़ोन बंद हो चुका है। जैसे कि आपको बता दूँ, फिर से एक बार चालू करके आपको दिखा देता हूँ। फ़ोन को मैंने जैसे फिर से ऑन किया और ये देख सकते हैं रियलमी, और वो वही मैसेज करके यहाँ पे आ रहा है गाइस, DM वेरीफाई कर अपडेट करके एक मैसेज आ रहा है, करप्शन करके। तो चलिए, आज जिसकी हम वीडियो बनाने वाले हैं, इसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं। RMX देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर आपको दिखाई दे जाए तो गाइस, RMX यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें इसका जो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन करने वाले हैं, इनलेस इसका सोल्यूशन बताएंगे, इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं गाइस। तो वीडियो को लास्ट दिन तक आप ज़रूर देखिएगा, और ये रियलमी का C20 मॉडल है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और चलिए, वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं गाइस, हर एक चीज़ के साथ स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको वीडियो पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को लास्ट दिन तक ज़रूर देखें। और हमारे चैनल में नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाएं, जिससे हमें नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने के लिए गाइस, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें फाइलों की जरूरत पड़ेगी। तो फाइलों में मैं आपको फाइल दिखा देता हूं, ये उसकी फाइल है जब हमने डाउनलोड किया गाइस, देख सकते हैं यहां पे, ये हमारी फाइल है, ये हमारी फाइल है। हमने इस फाइल को यहां पे इसको डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद गाइस ये OFP फाइल आती है। इसका जो फॉर्मेट होता है आपको पता है, OFP फाइल होता है, पर OFP फाइल हमारा फ्लैश नहीं होगा, हमें इसको स्कैटर फाइल चाहिए। तो स्कैटर फाइल के लिए कैसे हमने स्कैटर उसको बनाया है, अगर आपको स्कैटर पता है कैसे बनती है तो कोई बात नहीं है, बट अगर आपको नहीं पता है कि स्कैटर कैसे बन OFP फाइल को स्कैटर में कैसे कन्वर्ट करें, तो आई बटन में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे जाइए और वीडियो को वॉच करिए कि हम OFP फाइल को स्कैटर में कैसे बदल सकते हैं, अनपैक कैसे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्कैटर में इसको कन्वर्ट कर दिया गाइज, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा दूँ। अब आपको पड़ेगी टूल की जरूरत गाइज, तो टूल आपको टूल प्रोवाइड करने के लिए गाइज, देखिए परफेक्ट तरीके से आपको ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सही वे में पता चलेगा कि क्या है, कैसा है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। बाकी हमारे स्टूडेंट को सब कुछ A to Z मिल जाता है, डाटा कि वो टूल कहाँ से मिलेगा, फाइल कहाँ से मिलेगा, वो सारा कुछ यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए फटाफट देर न करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टूल टूल को ओपन करूंगा, SP फ्लैश टूल, और इसके ऑथ को बाईपास करने के लिए MCT बाईपास टूल की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, मैंने SP फ्लैश टूल खोल लिया है, और यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे MTK बाईपास टूल भी है यहाँ पे। तो ये दो टूल की आवश्यकता पड़ेगी हमारे यहाँ पे। अब आपने एक भी वीडियो अभी इसका सोल्यूशन आपने नहीं देखा होगा, या फिर कर भी रहे होंगे आप, तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ, तो आप उसको फॉलो जरूर करिएगा। तो ये हमारा टूल भी ओपन हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको हम करेंगे सिंपल और सिंपल, पहले बाईपास पे क्लिक कर देते हैं, फोन को कनेक्ट कर देते हैं। फोन अपना अप डाउन दबा करके फोन को कनेक्ट करिएगा, फोन को अप डाउन दबा करके आप फोन को कनेक्ट कर दीजिएगा। बाईपास में मैंने क्लिक कर दिया है, और आप देख सकते हैं ये भी हमारा फोन ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा गाइस, कि आपका जो MCT बाईपास टूल है, यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए, रेड कलर का कुछ लिख करके नहीं आना चाहिए। चलिए, ये तो हमारा हो गया। अब मैं आपको टूल के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे जो हमारी स्कैटर को चूज करना है, आपको DA देने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको सीधा और सीधा जाना है जहां पे मैंने फाइल को रखा हुआ है। ये हमारी फाइल है, ये हमारा यहाँ पे सेट हो गया है। अब यहाँ पे मेन गेम होता है गाइस, कि आप देखते हो कि आपको बता दिया जाता है कि केवल ओप्पो सर्वर को अनटिक कर दीजिए, उसके बाद का प्रोसीजर यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। पर यहाँ पे आप भटकते रह जाओगे, और आपका शायद आई होप काम ना हो जो आप वीडियो को देखते आ रहे हैं यहाँ पे। तो फिलहाल चलिए, मैं यहाँ पे तीन फाइल को अनटिक कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेशल और ये यहाँ पे माई कस्टम। अगर ये तीन फाइल आप अनटिक नहीं करोगे गाइस, तो आपका एरर पे एरर आता ही रहेगा, जैसा कि मैं आपको बता दूं। तो मैंने आप चार फाइलें इस टूल इस मोबाइल के लिए C20 के लिए मैंने यूज किया है। पहले मैंने ओप्पो सर्वर को अनटिक किया है, और दूसरा हमने किया है CDT का, और तीसरा हमने किया स्पेशल, और हमने किया माई कस्टम। ये तीन फाइलों को जब तक आप अनटिक नहीं करोगे तो आपका फ्लैश नहीं होगा गाइस, जैसा कि मैं आपको बता दूं। चलिए सिंपल और सिंपल आप कर देना है डाउनलोड पे क्लिक, और जो आपका DM वेरीफाई करप्टेड का जो मैसेज आ रहा था, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बिना किसी एरर, वन टाइम में, कोई भी फेक वीडियो नहीं है, कोई भी एडिटिंग वीडियो नहीं है, आपके सामने लाइव कर रहे गाइस। तो अब ये फटाफट चलता रहेगा, और इसको मैं स्किप कर दूंगा, या फिर इसको फॉर्मेट में कर दूंगा जिसमें आप उसको
कंप्लीटली वीडियो देखोगे फ्लैश होते हुए, और फिर फ्लैश होने के बाद देखेंगे कि काम होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता है गाइस तो फिर सीधे आपको इसकी स्टोरेज आईसी पे काम करना पड़ेगा। पर फिलहाल आप जो ये मैसेज आता है सबसे पहले एक बार फ्लैश करें, फ्लैश करने के बाद नहीं होता है तो फिर इसके स्टोरेज आईसी में आपको काम करना है। तो चलिए वीडियो को कंप्लीटली फ्लैश होने देते हैं। कंप्लीटली जॉब डन हो चुका है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और दूसरी चीज कि अभी फोन को मैं आपको दिखाऊंगा इसमें बैटरी लगा करके, कि अब फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन में आपको मैं करके दिखाऊंगा बेसिकली यहाँ पे। तो फिलहाल मैं एक बार इसको निकालता हूँ और एक बार फिर से बैटरी कनेक्टर को लगाता हूँ और एक बार चालू करता हूँ, देखता हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। बाकी मैं इसको आपको दिखाऊंगा अपने फोन के स्क्रीन में करके दिखाऊंगा। ये देख सकते हैं आइकन बन के आ रहा है, चार्जिंग का आइकन बन के आ रहा है। बट यहाँ पे क्या होता था गाइस कि जैसे ही यहाँ पे चार्जिंग आइकन शो होता था चार्जिंग परसेंटेज नहीं दिखाई देता था, यहाँ पे परसेंटेज दिखाई दे रहा है मतलब जॉब डन हो चुका है। तो चलिए अपने मोबाइल के स्क्रीन में लेके चलेंगे और आपको फाइनली चालू करके दिखाएंगे कि ऑन हुआ कि नहीं हुआ गाइस। थैंक यू सो मच, वीडियो कंटिन्यू पूरा देखें। फाइनली आप ये देख सकते हैं फ़ोन, ये देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड होके हो चुका है। मतलब जो ये आप एरर्स जो कि अभी आपको शायद गाइस यूट्यूब पे भी जल्दी देखने को ना मिले, यहाँ पे आप देख सकते हैं CDT और यहाँ पे स्पेशल और यहाँ पे माई कस्टम, ये तीन फाइलों को अनटिक और यहाँ पे ओप्पो सर्वर 2 को भी अनटिक किया था, उसके वजह से ये एरर आ रहा था गाइस। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक मैसेज लिख करके आ रहा था ओप्पो कस्टम फाइल का, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा बूट होने में टाइम लग रहा है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैश जॉब डन हो चुका है कंप्लीट तरीके से। अभी प्रॉपर जब ऑन हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा कि परफेक्ट तरीके से ऑन हुआ कि नहीं हुआ गाइस। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। तो फिलहाल चलिए देखते हैं फटाफट, अभी जैसे ही हमारा काम हो जाता है फिर उसके बाद हम देखते हैं सारा कुछ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं फ़ोन हमारा ऑन होता है कि नहीं। अभी भी डाटा केबल से देखिए लगा ही हुआ है दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वही फ़ोन है जो कि हमने आपको यहाँ पे पहले करके दिखाया हुआ था। ये हमारा रियलमी का वही C20 मॉडल जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वही मॉडल है और यहाँ पे डाटा केबल भी लगा हुआ है। तो फटाक से जब ऑन हो जाता है थोड़ा सा बूट हो जाता है तो फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो फाइनली ये दोस्त देख सकते हैं फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, जॉब डन हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ट्रिक आपको कैसा लगा। तो और बाकी आपको परफेक्ट तरीके से नॉलेज चाहिए तो आप ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन कर सकते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें आपको परफेक्ट तरीके से बताया जाएगा कि सॉफ्टवेयर कैसे चढ़ाया जाता है, कैसे ड्राइवर इंस्टॉल किया जाता है, कौन सा टूल कौन सा फाइल। आप यहाँ पे गूगल में देखोगे तो इस टूल शायद आपको ना मिले, पर ये टूल हमारे ऐसे टेलीकॉम में आपको प्रोवाइड मिल जाती है जैसा कि आपको मैं बता दूँ यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं फाइनली इसको मैं एक कोड डाल देता हूँ और एक सेकेंड, तो स्टार हैज 813 हैज, जैसे हमने कोड डाला गाइस देख सकते हैं वन क्लिक में ये हमारा फ़ोन अनलॉक हो चुका है, मतलब कम्प्लीटली फाइनल तरीके से जॉब डन हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ये वही फ़ोन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच अभी तक के लिए। We'll be right back.